नमस्कार, मैं नीरज यादव, आप देख रहे हैं स्टेट मीडिया न्यूज। आइए देखें उत्तर प्रदेश की आज की खास खबरें। ओम प्रकाश राजभर बोले, राजभर समाज को न्याय दिलाने के लिए लड़ी जाएगी हर लड़ाई। खबर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से है, जहां राजभर समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए कुछ दिन पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। वहीं सीएम ने केंद्र को प्रस्ताव भेजने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि अब राजभर समाज को कोई गुमराह नहीं कर सकता है। इस सावधान रथ यात्रा का मकसद राजभर समाज को एकजुट करना है। दरअसल हम आपको बता दें कि जनपद कुशीनगर बिशुनपुरा ब्लॉक के पचफेड़ा गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय परिसर में शुक्रवार को सुहेल देव पार्टी का 20वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसमें पार्टी के तरफ से सावधान रथ यात्रा का आयोजन किया गया। वहीं सभा को संबोधित करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि राजभर समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए कुछ दिन पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र को प्रस्ताव भेजने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि अब राजभर समाज को कोई गुमराह नहीं कर सकता। इस सावधान रथ यात्रा का मकसद राजभर समाज को एकजुट करना है, इसलिए समाज के लोगों को एकजुट होकर पार्टी के नीतियों को लोगों तक पहुंचानी चाहिए। कार्यक्रम का संचालन पूर्व विधायक रामानंद बौद्ध ने किया। कुशीनगर, ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश। खबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से है, जहां सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव को बेहतर स्वास्थ्य के लिए उनके समर्थक जगह जगह पर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तो वहीं वाराणसी में सपा कार्यकर्ता ने दंडवत प्रणाम यात्रा शुरू कर दी है। वहीं हम आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के संरक्षक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की हालत लगातार गंभीर बनी हुई है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती सपा संरक्षक ICU में वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। वहीं हम आपको बता दें कि उनके स्वास्थ्य को लेकर सपा कार्यकर्ताओं की चिंताएं बढ़ गई हैं। मुलायम सिंह यादव को जल्द स्वास्थ्य लाभ के लिए वाराणसी में एक सपा कार्यकर्ता ने कठोर व्रत लिया है। वहीं वाराणसी के एक सपा कार्यकर्ता ने दंडवत प्रणाम यात्रा शुरू कर दी है। हम आपको बता दें कि शनिवार को सपा कार्यकर्ता करीब 2 किलोमीटर दंडवत प्रणाम कर मंदिर पहुंचा और मुलायम सिंह यादव के स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने कहा कि सपा संरक्षक के ठीक होने तक वह प्रतिदिन दंडवत प्रणाम करते हुए मंदिर तक पहुंचेगा। वाराणसी से ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश। देश में निर्मित पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के लिए अक्टूबर का पहला हफ्ता ठीक नहीं लग रहा। शनिवार को वंदे भारत एक्सप्रेस से जुड़ी तीसरी घटना सामने आई है। दिल्ली से वाराणसी आ रही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन तकनीकी खराबी आने के चलते खुर्जा जंक्शन पर रोक दी गई। हम आपको बता दें कि वाराणसी कंट स्टेशन से इसके रवाना होने का समय फिलहाल 9:15 बताया गया है। वहीं इस देरी के लिए दिल्ली से वाराणसी आ रही वंदे भारत ट्रेन में खराबी को कारण बताया जा रहा है। वहीं हम आपको बता दें कि दिल्ली से आने वाली वंदे भारत दोपहर 2 बजे वाराणसी पहुँचती है। बताया जा रहा है कि यह ट्रेन अब रात 8 बजे तक यहां पहुंचने की संभावना है। वहीं इधर ट्रेन के विलंब होने से वाराणसी कंट स्टेशन पर परेशान यात्रियों को सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम ने भारी तनाव दे दिया है। दरअसल सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम ने दोपहर करीब 1:15 मोबाइल पर मैसेज किया कि वंदे भारत एक्सप्रेस वाराणसी के बजाय प्रयागराज तक ही आएगी। वहीं इससे कंट स्टेशन पर अफरा तफरी की स्थिति हो गई। इस मोबाइल संदेश से परेशान वंदे भारत एक्सप्रेस के यात्रियों ने आक्रोश नजर आया। कैंट स्टेशन पर प्रशासन ने मोबाइल संदेश का खंडन करते हुए RPF और GRPF की मदद से नाराज लोगों को शांत कराया। वहीं वाराणसी से दिल्ली जाने और आने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस तकनीकी कारणों से आज कई घंटे विलंब से चल रही है। यह ट्रेन आज वाराणसी से अपने निर्धारित समय से करीब 6 घंटे से देरी रात 9:15 पर रवाना हो सकती है। इस कारण का वाराणसी कैंट स्टेशन पर पहुंचे यात्री परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यात्री वेटिंग रूम में इंतजार कर रहे हैं। बड़ी संख्या में यात्री स्टेशन अधीक्षक से अपनी परेशानियों को बता रहे हैं। वहीं हम आपको बता दें कि इनमें कई ऐसे लोग भी हैं जिन्हें दिल्ली पहुंचने के बाद देर रात दूसरी ट्रेन या फ्लाइट पकड़कर विदेशों को यात्रा भी करनी थी। वहीं हम आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली से वाराणसी आ रही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन तकनीकी खराबी आने के चलते खुर्जा जंक्शन पर रोक दी गई। बताया जा रहा है कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन इमरजेंसी ब्रेक जाम हो गए थे। इसके बाद खुर्जा जंक्शन पर शताब्दी एक्सप्रेस में सभी यात्रियों को शिफ्ट कर वाराणसी के लिए रवाना किया गया। वाराणसी से ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश। वाराणसी बरेका के बाबू और एक अफसर को CBI ने लखनऊ किया तलब, भ्रष्टाचार मामले में होगी पूछताछ।
हम आपको बता दें कि बनारस रेल इंजन कारखाना बरेका के सीनियर सिविल इंजीनियर ओम प्रकाश सोनकर मामले की जांच में सीबीआई ने बरेका के एक बाबू और एक अफसर को लखनऊ तलब किया है। वहीं अफसर और बाबू से शनिवार तक पूछताछ की जाएगी। इस दौरान सिविल इंजीनियर की तैनाती के समय से टेंडर बिल पास कराने आदि कई कार्यों के बारे में बाबू से जानकारी ली जाएगी। वहीं हम आपको बता दें कि इंजीनियर ओम प्रकाश के ऊपर बैठे अफसर पर सोनकर के भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने का आरोप है। बिल पास कराने के एवज में ठेकेदार से 3 लाख का घूस लेते हुए सीनियर सिविल इंजीनियर ओम प्रकाश सोनकर को सीबीआई ने 16 सितंबर को रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। वहीं हम आपको बता दें कि फुलवरिया स्थित राणा नगर कॉलोनी से सोनकर के मकान से 7.5 लाख नकदी और आभूषण संपत्ति से जुड़े दस्तावेज बरामद हुए थे। इसके बाद बरेका ने भी इंजीनियर की आंतरिक जांच शुरू कर दी थी। वाराणसी से ब्यूरो रिपोर्ट उत्तर प्रदेश। खबर यूपी के बिजनौर से है, जहां जनपद के सिवाहारा में युवती के साथ दुष्कर्म करने के बाद अश्लील वीडियो वायरल करने का मामला प्रकाश में आया है। बताया गया कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के वारदात को अंजाम दिया। वहीं पुलिस ने आरोपी युवक और उसके परिवार के 3 महिलाओं सहित 7 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। वही हम आपको बता दें कि कस्बा निवासी एक युवती ने पुलिस को बताया कि उसके पड़ोस में शाहनवाज पुत्र रफाकत अली का घर है। वह दोनों बचपन से ही एक साथ बड़े हुए। 1.5 साल पूर्व रफाकत अली ने युवती के साथ अपने लड़के शाहनवाज से निकाह का प्रस्ताव रखा, जिस पर दोनों परिवार राजी हो गए। इसी बीच युवती और उसके घर आना जाना हो गया। वहीं आरोप है कि एक दिन शाहनवाज की दादी और बुआ ने उसे चाय में नशीला पदार्थ देकर बेहोश कर दिया और शाहनवाज ने उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिए। युवती का आरोप है कि 1.5 वर्ष तक उसके साथ संबंध बनाए और 21 सितंबर को 2 लाख रुपए नगद और एक बुलेट की डिमांड की। वहीं परिजनों ने इनकार करने पर रिश्ता तोड़ दिया। अब अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा है। वहीं युवती की तारीफ पर पुलिस ने शाहनवाज, उसकी मां मेहताब, रफाकत हुसैन, दादी शमशीदा, बुआ रानी, चाचा राशिद, साजिद रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है। बिजनौर से ब्यूरो रिपोर्ट उत्तर प्रदेश। सुसज्जित मंच पर चारों भाइयों का मिलन देख सज्जन हुए नया। श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता के जयकारे से गूंज उठा नगर। खबर उत्तर प्रदेश के गोपीगंज से। सभी भावुक थे, पलकों की कोर गीली हो गई थी, गला रुंध गया था, लेकिन मन भगवान की श्रद्धा में रंगा हुआ था। अवसर था गोपीगंज में होने वाले प्राचीन और ऐतिहासिक भरत मिलाप लीला का। राम लक्ष्मण और दूसरी ओर भरत शत्रुघ्न जब एक दूसरे से गले मिले तो पूरा नगर जय श्री राम के हर हर महादेव से गूंज उठा। वहीं बच्चे, युवा, वृद्ध और दूर दराज से आए हजारों लोगों के हुजूम से पूरा नगर पटा हुआ था। वहीं मेला सकुशल संपन्न कराने के लिए जहां बड़ी संख्या में पुलिस और पीएससी के जवानों की ड्यूटी लगाई गई थी, वहीं वाहनों का आवागमन बंद कर दिया गया था। प्रभारी निरीक्षक सदानंद सिंह ने चौकी प्रभारी संजय यादव के साथ यातायात प्रभारी शशिकांत हमराइयों के साथ चक्रमण करते रहे। वहीं नव युवक दल के रामलाल अग्रवाल, भिखारी लाल, नंदा जायसवाल, अश्वनी अग्रवाल, उमेश बघेल, अखिलेंद्र सिंह, चिंटू कसुलेंद्र बघेल, शिव शंकर गुप्ता, श्रेयस बेल, मुरारी लाल, विनोद बघेल, संतोष सिंह, मानवेंद्र, संजीव जायसवाल, डब्लू गुप्ता आदि लोग उपस्थित रहे। भदोही से ब्यूरो रिपोर्ट उत्तर प्रदेश। खबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से है, जहां सेवापुरी में आशा ट्रस्ट व लोक समिति के संयुक्त तत्वाधान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत शनिवार को बड़ौदा बाजार में बालिका महोत्सव का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम में सेवापुरी ब्लॉक के दर्जनों गांवों से आई सैकड़ों किशोरी लड़कियों ने बड़ौदा बाजार में कन्या भ्रूण हत्या, यौन उत्पीड़न, दहेज, बाल विवाह आदि के खिलाफ जोरदार रैली निकाली। वहीं रैली में शामिल लड़कियां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तिलक, दहेज छोड़ो, जाति पाति तोड़ो, भीख नहीं अधिकार चाहिए, जीने का सम्मान चाहिए, कन्या भ्रूण हत्या बंद करो आदि नारे लगाए और पोस्टर के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। वहीं प्रगति पथ फाउंडेशन के निदेशिका नीलम पटेल ने कहा कि आज घर में ही लड़कियां सुरक्षित नहीं है, इसलिए लड़कियों को यौन हिंसा के बारे में जागरूक करने की जरूरत है। कार्यक्रम में स्वागत सोनी ने किया, अध्यक्षता अनीता और संचालन रंजना पटेल व आशा मौर्य ने, धन्यवाद मंजू ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मंजू, शीला, पुष्पा, आशा, राजकुमारी, आशा मौर्य, सरोज, संगीता, पूजा, सरगम, ज्योति, उर्मिला, अंजलि, यासीन, बानो, अंतिमा, प्रीति, अंशिका आदि लोग अपने अपने विचार रखे। वाराणसी से ब्यूरो रिपोर्ट उत्तर प्रदेश। डेंगू की मरीज मासूम बालिका की मौत पर परिजनों का हंगामा।
परिजनों का आरोप डॉक्टर की लापरवाही के चलते हुई मासूम बालिका की मौत। वहीं हॉस्पिटल में तोड़फोड़, शव रखकर परिजनों ने किया चक्का जाम। खबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से, जहां शिवपुर थाना क्षेत्र के भरलाई स्थित एक्टिविया हॉस्पिटल में सुबह सुबह एक 6 वर्षीय मासूम बालिका नैना राजभर पुत्री जित्तू राजभर निवासी मिसिरपुर ततरी थाना नेवड़िया जनपद जौनपुर डेंगू से पीड़ित की एकाएक बोलते और बातचीत करते समय हॉस्पिटल के डॉक्टर द्वारा कमर में 2 सुई लगाते ही मौत हो जाने के बाद परिजन आग बबूला हो गए और शव को सड़क पर रखकर चक्का जाम करते हुए जमकर नारेबाजी करने लगे। वहीं हॉस्पिटल के डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हॉस्पिटल के मुख्य द्वार पर लगे शीशे और गेट पर जमकर पत्थरबाजी करते हुए तोड़फोड़ करने लगे। वहीं मामले की सूचना हॉस्पिटल प्रबंधन ने शिवपुर पुलिस को दिया। घटना के घंटों बाद मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस के सामने स्थानीय उपद्रवी और मृतक बालिका के परिजनों ने जमकर हॉस्पिटल में तोड़फोड़ की। वहीं पुलिस की सख्ती को देख मौके से सब भाग निकले। वहीं शिवपुर पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया। वाराणसी से ब्यूरो रिपोर्ट उत्तर प्रदेश। कहाँ घर है आपका? खालिसपुर फूलपुर। अच्छा, बच्ची का क्या मामला है? बच्ची क्या मामला है? डेंगू रहा था। हाँ, डेंगू हुआ था। कहाँ भर्ती थे आप? कहाँ पहले भर्ती थे? दीपक वर्मा, डॉक्टर दीपक वर्मा के यहाँ भर्ती थी। फिर उसके बाद यहाँ आई है? आज के कई दिन पहले आई थी यहाँ? 9 बजे रात के लिया के। कल रात में? आज ही रात में। अच्छा, आज रात में लिया के भर्ती कह के गई लेन हम काली डॉक्टर साहब, अगर ना ठीक तरह हुआ तो मेरे बिटिया के मत ले जा, मत भर्ती ले। अच्छा, ठीक तरह हुआ तब भर्ती ले। बच्ची क्या नाम है? कई साल की थी? 6 साल का हमारा रानी। अच्छा, कितना पैसा डॉक्टर साहब लिए? डॉक्टर साहब कितना पैसा लिए? डॉक्टर साहब हमारा पैसा 6,000 तुरंत एक दिन का 12,000 का। अच्छा, फिर बच्ची कैसे मरी है? हमार बच्ची ठीक रहा, लोकल कर्जा था, सब नर्स सिस्टर सब सबका इलाज करा था। कहती हमार भैया का एक कर्जा था, ओके हम चल गए थे बाहर तो बिस्कुट खिलाई दिली। अच्छा, बाद आए तो खात रहा। डॉक्टर थे मौके पे यहाँ? डॉक्टर यहाँ, डॉक्टर से फोन से बात हो रहा। डॉक्टर यहाँ कोई नहीं मौजूद था? नीचे रहा लो यहाँ डॉक्टर ना। अच्छा अच्छा, तब अपन बिस्कुट खिया हो दली, आए तुम के पानी पीबो तो कह दिन पानी मत पिया हो। अच्छा, ऑक्सीजन लगा के सुता देली। अपन बच्ची कितने बजे एक्सपायर हुई है? अभी एक घंटा भैया ने। अच्छा अच्छा, आप लोगों की मांग क्या है? जैसे आप रोड पे आए हैं तो आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है हमारी रानी की जैसे। क्या इनकी मौत डॉक्टर की लापरवाही से हुई है? नहीं, डॉक्टर की लापरवाही, हम बस छुट्टी लेके नीचे। अच्छा, छुट्टी देता हम लेके जाओ हमारे बिटिया बच्ची रोवत। बच्ची के पिता का क्या नाम है? जित्तू राजभर। 2 सुई कमर में लगाए हैं सर, उसी के 10 मिनट बाद डेड हो गया। अच्छा, उसके बाद कमर में लगा सुई तुरंत बताइए हम सुई यहाँ पर लगता है कमर में लगता है? नहीं सुई हाथ में तुरंत दना दन दे का दिन अब आराम हो जाए। अच्छा, ओवरडोज दिए हैं? ओवरडोज तुरंत सुई लगाने के बाद आंख हो जाना कि अखिया से किया को नहीं गलो भैया हम कह दिए मार पाई नहीं देखा का होगा।